वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में गौकशी की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। बीती रात गगोल कताई मिल के पास गौ तस्करों ने अपनी हरकत को अंजाम दे दिया। सूचना पाकर ग्रामीणों के साथ ही विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। गौकशी की घटनाओं पर पुलिस द्वारा रोक न लगाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा किया। उन्होंने आरोप भी लगाए कि टीपी नगर पुलिस के संरक्षण में गौकशी फल फूल रही है। बाद में ग्रामीणों की मौजूदगी में अवशेषों को दबा दिया गया। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा तो उन्हें सड़क पर आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस मौके पर बजरंग दल मेरठ महानगर के संयोजक दीपक त्यागी ने यह कहा। कल रात्रि में कताई मिल थाना प्रतापपुर क्षेत्र में दो गौवंशों की गौ कसी कर हत्या कर दी गई है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पहले भी कई बार गौ कसी हो चुकी है। थाना महोदय को अवगत कराया गया है। थाना प्रतापपुर SO गोकसी रोकने में असफल रहे हैं और ना पहले कोई भी FIR दर्ज की है। इस बार मौके पर क्षेत्र अधिकारी पहुंचे और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से विरोध प्रदर्शन किया है। तो क्षेत्र अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि इस बार जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं जिहादियों को यह चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर गोकसी बंद नहीं करोगे, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद नहीं करोगे तो बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता आप सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। और पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी देता है बजरंग दल के गोकसी रोकने में अगर प्रशासन असमर्थ हो तो बजरंग दल को इस बात के लिए अवगत करा दे, बजरंग दल गोकसी रोकने का कार्य करेगा। इस बारे में आज मीडिया से वार्ता करते हुए ASP विवेक यादव ने यह जानकारी दी। देखिए, कल रात्रि में ही ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी, उसके तत्काल थाने की टीम और जितने भी लोग वहाँ के चौकी के प्रमुख इत्यादि सभी लोग मौके पर पहुँच गए थे और उसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है ऑलरेडी। और कुछ लोग ऑलरेडी इसमें पूछताछ के लिए बुलाए जा चुके हैं, पूछताछ जारी है। और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी उसका पर्दाफाश कर लेंगे और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो कड़ी से सजा मिलेगी। चौकी के पीछे गौकसी हो रही है, पुलिस को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं लगती है। चौकी के पीछे गौकसी हो जाती है और बाद में फिर क्षेत्र के लोगों की सूचना के बाद गौकसी की पुलिस को पता चल पाती है। नहीं, चौकी के पीछे की घटना नहीं, ये वहाँ पे काशी गाँव के पास की घटना है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँची है और उसमें सारी कार्रवाई अभी तक की गई है। आगे भी बिल्कुल उनको जो भी इसमें अभियुक्त है उन पर जो भी विधिक कार्रवाई है कड़ी से कड़ी वो की जाएगी। सर, किसी को अभी चिन्हित किया गया? देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है, उनसे गहन रूप से पूछताछ जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstByte.tv। नमस्कार।